हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। दो भिंडी रात को पानी में भिगोकर 7 दिन पानी पीने से जो हुआ, डॉक्टर भी है हैरान। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं भिंडी के कुछ ऐसे फायदों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे कि भिंडी में छिपा है सेहत का खजाना। स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर हमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियाँ खाने की सलाह देते हैं। हरी सब्जियों में भिंडी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। भिंडी में प्रोटीन, वसा, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लो मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और तांबा पाया जाता है। इसलिए भिंडी को बहुत ही पौष्टिक सब्जी माना जाता है। भिंडी की खास बात यह है कि भिंडी उन गिनी चुनी सब्जियों में से एक है जो संसार के तकरीबन सभी देशों में पाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि भिंडी किन रोगों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। भिंडी में फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो मधुमेह को नियंत्रित करने में उपयोगी साबित होती है। भिंडी खून में मौजूद पहले से शुगर के अंश को सोख लेती है और ब्लड शुगर के खतरे को सामान्य बनाने में मदद करती है। भिंडी हमारी आंतों के लिए फिल्टर का काम करती है। ये पेट के पित्त, अम्ल और कोलेस्ट्रॉल को बांध देती है जिससे आंतों को नुकसान नहीं होता। भिंडी आंतों की खराश को भी दूर कर देती है, इसीलिए पेचिश या गैस की समस्याओं में भिंडी बहुत ही काम आती है। इन समस्याओं में भिंडी की सब्जी बनाकर खानी चाहिए। भिंडी हमारे शरीर में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करती है। इसके साथ साथ भिंडी शरीर में प्रोबायोटिक के विकास में भी मदद करती है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और पाचन तंत्र बेहतर होता है। हैजे के मरीजों के लिए भिंडी बहुत ही फायदेमंद होती है। हैजा होने पर इसके फलों को कुचलकर रस निकालकर मिश्री के साथ हैजे के रोगी को पिलाएं। इससे आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। भिंडी न केवल एक सब्जी है अपितु कई रोगों में कारगर औषधि का भी काम करती है। मधुमेह के लिए ये एक रामबाण औषधि है। मधुमेह के मरीज भिंडी की डंटी को काट लें और इसे छाया में सुखा कर पीस कर छान लें। इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर आधा चम्मच सुबह खाली पेट पानी के साथ फांकिए। इससे आपका मधुमेह ठीक हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो दो भिंडी लीजिए और उसे आगे और पीछे दोनों ओर से काट दीजिए। इसमें से एक चिपचिपा सा सफ़ेद तरल बाहर आना शुरू हो जाएगा जिसे आपको धोना नहीं है। जब आप सोने जाएं तो इन कटी हुई भिंडियों को पानी के ग्लास में डाल दें और ग्लास को ढक दें। सुबह होते ही इस पानी में से कटी हुई भिंडी के टुकड़ों को निकाल लें और पानी को पी लें। अगर आपको ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है तो इस विधि को लगातार कुछ महीने तक करें। कच्ची भिंडी आपके लिए जितनी फायदेमंद होगी उतनी पकाई हुई भिंडी नहीं होगी। भिंडी पेशाब की जलन को दूर करती है। इससे खाने से पेशाब खुलकर और साफ आता है, इसलिए पेशाब की जलन होने पर भिंडी का सेवन करना चाहिए। भिंडी से पेट की बीमारियां दूर हो जाती है। 50 ग्राम भिंडी की जड़, सूखा पिंडारू, सूखा आंवला, पितारी कंद, इन सब को समान मात्रा में लेकर चूरन बना लें। इसमें 25 ग्राम पीसी हुई मुलट्ठी मिला दें। इस चूरन को गाय के दूध के साथ सेवन करने से पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको कमजोरी या थकावट है तो आप भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमजोरी और थकावट महसूस होने वालों को भिंडी ऊर्जावर्धक दवा की तरह काम करती है। डॉक्टरों के मुताबिक भिंडी डिप्रेशन के शिकार लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या होती है उन्हें भी भिंडी का सेवन करना चाहिए। भिंडी में पाया जाने वाला लसलसा पदार्थ हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा भिंडी में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो हड्डियों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। ये जोड़ों को लचीला बनाती है। भिंडी अस्थमा के रोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। भिंडी में पाया जाने वाला विटामिन सी अस्थमा के लक्षण को पनपने से रोकता है। इसके अलावा भिंडी फेफड़ों में सूजन और गले में खराश को ठीक करती है। जिन लोगों की आंखें कमजोर होती है उनके लिए भिंडी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। भिंडी में विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जिन लोगों की आंखें कमजोर होती है उन्हें भिंडी खाने की सलाह दी जाती है।
खाने में यदि भिंडी शामिल कर ली जाए तो आंखों की रोशनी दुरुस्त हो जाती है, आंखों से संबंधित और भी कई समस्याएं भी ठीक हो जाती है। कुछ शोधों के मुताबिक भिंडी मोतियाबिंद के जोखिम को दूर कर देती है। भिंडी में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, इस लिहाज से ये हमारी त्वचा के लिए भी वरदान है। त्वचा को पिंपल फ्री बनाना हो या चेहरे को चिकना और चमकदार बनाना हो, भिंडी हमेशा असरदार साबित होती है। जिन लोगों को बालों की समस्या है उन्हें भिंडी का सेवन करना चाहिए। बेजान और रूखे बालों में बाउंस लाने के लिए आप भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। भिंडी को तब तक उबालें जब तक वे पूरी पतली ना हो जाए। इसके बाद उस पानी में नींबू निचोड़कर बालों में लगाएं। इससे बालों की अच्छी कंडीशनिंग होगी और बालों में जान लौट आएगी। धातु रोग के मरीजों के लिए भी भिंडी बहुत ही वरदान है। इसके लिए गाय के दूध का दही जमाकर उसका मट्ठा बना लें और सुबह भिंडी के 2 या 3 फूल पीसकर इस ताजा मट्ठे में मिलाकर सेवन करें। सेवन करने से धातु का जाना बंद हो जाता है और रोगी में नई शक्ति का संचारण होता है। धातु विकार में भिंडी की जड़ को दूध में खौलाकर छानकर उसमें घी और चीनी मिलाकर पीने से भी लाभ होता है। भिंडी के गुणों को देखते हुए आप इसे हफ्ते में एक बार जरूर खाएं। भिंडी खरीदते समय ये अवश्य ध्यान दें कि वो सड़ी गली कड़ी या फिर कीड़ों वाली ना हो। मुलायम ताजा और पतली भिंडी जिसमें कीड़े ना लगे हो आपको अच्छे लाभ देगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।